तो यहाँ पर अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ प्रॉब्लम्स करता है, तो आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, जैसे कि रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक थ्योरी पढ़ लेना, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स रहता है। तो अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है, अपन को मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके ये प्रूफ करना है कि ई रेस टू पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1+x होता है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फंक्शन अज्यूम करता है, फंक्शन अपन ने लिया है ई रेस टू पावर x-1 इन द इंटरवल 0 to x। तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अपन क्या, अपन LMVT मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं बिटवीन 0 to x, और ऐसे बोल सकते हैं कि f(x) - f(0) डिवाइडेड बाय x-0 इज इक्वल टू सम डेरिवेटिव f'c, जो कि इस इंटरवल में होगा 0 to x के बीच में। तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है, e रेस टू पावर x-1, और f(0) की वैल्यू क्या है, 0, और डिवाइड में x-0, और f'c की वैल्यू क्या है, e रेस टू पावर x। और किसी कॉन्स्टेंट c के लिए देख रहे थे, इसको e रेस टू पावर c लिख देता है, जहाँ जो c है वो 0 to x के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो अपने पास आ गया e रेस टू पावर x-1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू e रेस टू पावर c। अब ये जो c होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये इसके बीच में लाई कर रहा है, और यहाँ पर इस इंटरवल में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और c इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और अपन मतलब e की पावर c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं e रेस टू पावर x-1 बाय x है जो कि ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इधर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये -1 नीचे है, इसके साथ नहीं है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। तो अपन लिख सकते हैं e रेस टू पावर x इज ग्रेटर देन 1+x। ये जो यहाँ पे जो 1 है वो इसके साथ नहीं है, माइनस का ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन ने किसके लिए देख लिया, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये अभी देख लिया, तो वैसे ही अपन x लेस देन 0 के लिए लेते हैं। तो x लेस देन 0 के लिए लेंगे तो वही अपन अप्लाई करेंगे, वही अपना फंक्शन है e रेस टू पावर x-1। तो वही यहाँ पर अपना इंटरवल क्या होगा, x to 0। तो यहाँ पे होगा f(0 - f(x) डिवाइडेड बाय 0 - x इज इक्वल टू f'c। तो यहाँ पे f(0) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इधर क्या आ जाएगी, e रेस टू पावर x-1 डिवाइडेड बाय -x, और f'c की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेस टू पावर c, जहाँ पे ये जो c है वो x to 0 के बीच में लाई करेगा, और जहाँ पर जो x है वो लेस देन 0 है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, e रेस टू पावर x-1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू e रेस टू पावर c, और ये जो c की वैल्यू लेस देन 0 है, तो e रेस टू पावर c की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि e रेस टू पावर z की 0 की वैल्यू 1 होती है, और c नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो जो e रेस टू पावर x-1 बाय x उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब यहाँ पर जो x है वो नेगेटिव है, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन x हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं e रेस टू पावर x ग्रेटर देन 1+x, ये x लेस देन 0 के लिए भी ट्रू हो गया, और x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, e रेस टू पावर x की वैल्यू 1+x के बराबर हो जाएगी। तो अपन ने पूरे x के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए प्रूव कर दिया कि जो e रेस टू पावर x है ग्रेटर देन इक्वल टू x+1 है, तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है, अपन को शो करना है, शो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर, दोनों ही जो नंबर है वो ग्रेटर देन एन स्क्वायर है, तो जो उनके स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन अपन को 1/2n, ये अपन को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने की कोशिश करो, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो अपन ने माना है, जो फंक्शन मान रहा है यहाँ पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे f(x) अपन ने अपना फंक्शन माना है, फिर आगे देखते हैं। तो अपन को दो सक्सेसिव जो नेचुरल नंबर है उनपे अप्लाई करना है, तो अपन ने अपना इंटरवल दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर के बीच में रखा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सारी। तो यहाँ पे अप्लाई करता है इज इक्वल टू f'x, और जो सम c की वैल्यू के लिए जो कि n to n+1 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ पे f(n+1) की वैल्यू दिस नीचे 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2√x आ जाएगी। किसी सी की वैल्यू के लिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दिस, जो अपना जो जो सी की वैल्यू है, जो अपनी सी की वैल्यू है ग्रेटर देन एन होगी, क्योंकि इससे इसके बीच में लाई कर रही है, और अपना जो एन है वो ग्रेटर देन है, यहाँ पर उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ एन की, तो
तो बेसिकली मैंने शुरू में बताया था यहाँ पर जो एन है वो ग्रेटर देन एन स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये जो एन है वो ग्रेटर देन एन स्क्वायर है, तो ये सी ऑब्वियसली ग्रेटर देन एन स्क्वायर होगा, तो रूट सी ऑब्वियसली ग्रेटर देन एन होगा, तो यहाँ पे जो टू रूट सी है वो ग्रेटर देन टू एन होगा, और वन अपॉन टू रूट सी इज लेस देन वन बाय टू एन। यहाँ से अपने पास जो यहाँ से तुम देखोगे ये जो डिफरेंस था वो वन अपॉन टू रूट सी के इक्वल था, तो ये जो स्क्वायर रूट में जो डिफरेंस था वो वन अपॉन टू रूट सी के इक्वल था, और ये जो लेस देन है वन बाय टू एन है, तो अपन ने प्रूव कर दिया कि जो स्क्वायर रूट में जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन वन बाय टू एन है। इस तरीके से अपन यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता है, तो फिर चलता है नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे अपने पास जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये दे रखी है, अपन को रोल थ्योरम को यूज करना है और ये बताना है देर इज एटलीस्ट वन रूट इन दिस रेंज 45 की जो पावर है 1/100 to 46 में इस इक्वेशन का एक रूट लाई करेगा। तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि बेसिकली अपन को इसके रूट के बारे में बताना है, तो इसका इंटीग्रेशन इसका इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके जो अपने फंक्शन आएगा उसमें अगर अपन ने इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी की वैल्यू को इक्वल बता दिया, तो रोल थ्योरम से जो कम से कम एक पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी इस इंटरवल में, जो कि डेरिवेटिव यही हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर देता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे जो अपने पास इक्वेशन आएगी ये इसका इंटीग्रेशन करने पे आई। यहाँ पर तुम एक्स की वैल्यू 45 की पावर 1/100 रखो और एक्स की वैल्यू 46 रखो। यहाँ पे अगर यहाँ पे तुम्हें क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 45 की पावर 1/100 इज इक्वल टू एफ ऑफ 46 आ जाएगा तुम्हारे। तो यहाँ पे रोल थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इस इक्वेशन के लिए जो इस इंटरवल में कम से कम एक जगह इसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी, मतलब इसकी वैल्यू जीरो होगी, मतलब इसका एक रूट इस रीजन में लाया करेगा, ये अपन ने प्रूव कर दिया। रोल थ्योरम में कैसे देखते हैं, वही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो, यहाँ इन दोनों पॉइंट ए टू बी के बीच में इन दो एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल हो, तो कम से कम एक पॉइंट पे एटलीस्ट वन पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होती है। तो उसी थ्योरम का यूज करके अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करके अपन ने देखा दोनों बराबर आ रही है, तो हमें चेक करना है दोनों बराबर आ रही है नहीं आ रही, तो तुम्हें लास्ट में ये मिलेगा दोनों बराबर आएंगे, और उससे अपन प्रूफ कर देंगे कि जो इसके डेरिवेटिव है जो कि ये है इसका जो एक रूट है इस रीजन में लाई करेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलता है।